अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों का मेरे इस चैनल पर। आज मैं डर्माशाइन हाई प्रोटेक्शन सन लोशन के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सन ब्लॉक स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी स्किन को सूरज की ख़तरनाक किरणों से बचाता है। उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। सन रेस यानी सूरज की किरणें दो तरह की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कंटेन करती हैं। एक होती है यूवीए और दूसरी होती है यूवीबी। यूवीबी स्किन की एपिडर्मिस यानी ऊपर की तह को नुकसान देती है, और यूवीए स्किन के नीचे के लेयर में जज्ब होकर सेल्स बनाती हैं जिन्हें मिलेनोसाइट्स कहते हैं। ये मिलेनोसाइट्स फिर एक पिगमेंट बनाते हैं जिसे मेलेनिन कहते हैं, और मेलेनिन स्किन को जलाकर रंग काला करता है। पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पर यह सब बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि यूवीए और यूवीबी क्या होता है, पीए प्लस प्लस क्या होता है। पीए किसी भी सनब्लॉक या सनस्क्रीन पर लिखा हो तो समझ जाएं कि ये यूवीए रेस से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ग्रेड होता है, जो बताता है कि ये स्किन को किस हद तक बचाएगा यूवीए रेस से। तो अगर पीए प्लस लिखा है तो उसका मतलब है थोड़ी प्रोटेक्शन देगा। अगर पीए प्लस प्लस लिखा है तो उसका मतलब है कि नॉर्मल प्रोटेक्शन देगा। और पाकिस्तान के हिसाब से पीए प्लस प्लस परफेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक धूप नहीं है जैसे सऊदी अरब होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वहाँ के लिए पीए प्लस 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 यानी पीए ट्रिपल प्लस सही रहता है। तो अब तो आपको समझ आ ही गई होगी कि इस पर जो ये यूवीए और यूवीबी और पीए प्लस प्लस लिखा है, इन सब का क्या मतलब है। मैंने डर्माशाइन का ये सनब्लॉक एसपीएफ 45 में इसलिए लिया क्योंकि आजकल सर्दी है, और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और वैसे ही इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। इन दिनों में आप एसपीएफ 45 लगाते हैं तो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। और डर्माशाइन के प्रोडक्ट्स इसलिए भी अच्छी होती हैं क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी आपकी स्किन को ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगे, कोई नुकसान नहीं देंगे। और इस पर लिखा हुआ भी है कि इसमें 100% नेचुरली सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो इसकी वजह से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, यानी अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं और आप इसको अपने फेस पर लगाते हैं तो आपको चिपचिपा फील नहीं होगा। और इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, यानी कि यह आपकी स्किन को डार्क होने से तो बचाएगा ही, साथ में आपके जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको वाइटन करेगा, यानी आपके रंग को घुरा करेगा। तो ये भी इसके अंदर क्वालिटी सबसे अच्छी मुझे लगी। और दूसरी बात ये कि यह आपकी स्किन को डार्क स्पॉट से बचाएगा। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे ₹345 की शॉप से मिली थी। आप इसको इसकी वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं। अगर ये एसपीएफ 45 में आपको नहीं भी मिलती है तो आप इसको एसपीएफ 50 में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट मतलब इतना ही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप कहीं भी बाहर जाने से पहले 15 मिनट पहले आपने आधे टीस्पून जितना, यानी हाफ टी स्पून, हाफ चाय का चम्मच जितना आपने इसको लेना है और अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना है। कहीं भी बाहर जाने से 15 मिनट पहले सनब्लॉक लगाने का मकसद ये होता है कि ये 15 मिनट लेता है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने में, ताकि ये यूवीए यूवीबी रेस से बचा सके आपकी स्किन को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बची रहे तो आप 15 मिनट पहले ही इसको अप्लाई करें। और अगर आप वैसे भी चाहते हैं कि आपकी स्किन काली होने से बची रहे तो आप इसको रोज़ाना एक टेबलस्पून यानी एक खाने का चम्मच जितना लेकर अपनी पूरी बॉडी पर लगाने की रूटीन बना लें, क्योंकि अगर आप धूप में नहीं भी निकल रहे और फिर भी इसको लगाने की रूटीन बना लेते हैं तो ये आपकी स्किन में एक तो कॉलेजन बनाता है, और उसकी वजह से फिर आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। यानी उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर, उनके जिस्म पर वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं। तो ऐसी स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप रोज़ाना इसको लगाने की रूटीन बना लें, उससे आपकी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। इस सनब्लॉक को मैं भी यूज़ कर रही हूँ,
और इस मौसम में ये SPF 45 बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और इसी वजह से मैं इससे मुतमईन हूँ। इसके सारे सनब्लॉक बहुत कमाल के हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डर्माशाइन की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उन पर रिव्यू दूंगी, तो मेरी वीडियोज़ को देखना मत भूलना। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो उनको दिल से लाइक किया करें ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।